अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें पूछा गया है कि सरफस का ये जो बॉर्डर है ये कैसे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, और मैनुअली अगर इनका एरिया चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पे ऑलरेडी जो ऑटोमेटिकली ये बॉर्डर एक्सट्रैक्ट होते हैं इस पे ऑलरेडी वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये टेबल वगैरह कैसे बनता है ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो बॉर्डर है, ठीक है, अगर ये क्लोज बॉर्डर एक्सट्रैक्ट ना हो तो इसको क्लोज कैसे किया जा सकता है, और हम मैनुअली इसका एरिया वगैरह जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये फाइल है मेरे पास, ठीक है, इसमें ऑलरेडी मैंने सरफेस का डाटा जो है वो इम्पोर्ट किया हुआ है, और इसको मैंने यहाँ पे ये जो कुछ एलिवेशन असाइन किए हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप सरफेस की प्रॉपर्टी में आए तो यहाँ पे सबसे पहले होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है इसका मिनिमम एलिवेशन और मैक्सिमम एलिवेशन और यहाँ पे मीन एलिवेशन जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे एनालाइज टैब में ये जो कलर स्कीम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है, ये अगर आपने कलर स्कीम कैसे बनानी है तो आपने कितने लेवल असाइन करने हैं, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल का क्या डिफरेंस है आपका, आपने वो असाइन करना होता है। तो सबसे पहले मिनिमम लेवल आता है, उसके बाद आपका जो जो भी आपने लेयर की थिकनेस रखनी है, मतलब एलिवेशन डिफरेंस है, वो आपने यहाँ पे, और जो यहाँ पे इंटर करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, फिर इसका डिफरेंस आगे इसमें इंक्लूड करके यहाँ पे लिखेंगे, यही वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी। इसी तरह ये वैल्यू जो है यहाँ पे आप अपने लेवल के हिसाब से वो इसको असाइन कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे अगर यूजर डिफाइंड कंट्रोल में आप देखें, अगर ये आपने ऑटोमेटिकली ये लाइन एक्सट्रैक्ट करनी हो तो आपको यूजर डिफाइंड कंट्रोल इसका बनाना पड़ता है यहाँ पे। ये अगर आप वॉल्यूम सरफेस पे बनाएं तो ये जनरली ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही सरफेस है तो मैंने इस पे कोई वॉल्यूम सरफेस नहीं बनाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने वही जो लेवल वहाँ पे हमने असाइन किए थे वही मैंने यहाँ पे असाइन किए हुए हैं, और जस्ट मैंने इसको ओके किया है यहाँ यहाँ पे। अभी अगर आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको यूजर कंट्रोल की ऑप्शन मिलेगी। अगर आप ये वॉल्यूम सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो मोस्टली चांस है आपका कि आपके ये ऑटोमेटिकली बाउंड्रीज एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट ओके करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सारे लेवल्स की लाइन है यहाँ पे ये क्रिएट होके आ गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये थी, मगर ये क्लोज नहीं हुई है। तो इनको हम क्लोज कैसे कर सकते हैं हम ये भी देखते हैं। तो इसको डिफरेंट तरीके से क्लोज किया जा सकता है, आप इसको ऐसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे अभी मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा स्लैश सिमिलर करके मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये सरफस जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, और इसको मैंने किया यहाँ पे कॉपी, ओके, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया है, ओके। ये मैंने कॉपी किया इसको, और यहाँ पे मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, और फिर मैं एक दफा इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये सॉलिड है, इसको मैं सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो हमारे पास जो है जो चीज़ें हमने यूजर डिफाइन कंट्रोल से ली थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे ये कलर स्कीम हमारे सामने है, हम इसी को देखते हुए हम इसके जो है चेक करते हैं कि हम इसकी बाउंड्रीज को कैसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये आउटर बाउंड्री की लाइन है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने एफ प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने इसको एंड प्रेस किया, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करके एट द रेट मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गई है लाइन, ओके। अभी यहाँ पे जो है फिर मैं ब्रेक की कमांड देता हूँ, और फिर मैं इस लाइन को सेट करता हूँ, एफ प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके एंड की प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे ये जो लाइन इस लाइन से टच हो रही है यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके एट द रेट प्रेस करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट जो है वो हमारा क्रिएट हो गया है। अभी ये लाइन जो है यहाँ से हमने इसके साथ जोड़नी है, तो सेम आपने इसको ब्रेक करना है यहाँ पे, ओके, एफ, और यहाँ पे एंड पॉइंट, ओके, एट द रेट, नेक्स्ट,
ओके, फिर आपने ब्रेक कमांड देनी है, एफ प्रेस करना है। यहाँ पे मैं इसको एंड पॉइंट ले लेता हूँ, ओके, और इसको एट द रेट प्रेस करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये लाइन जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, ये लाइन, ओके। इसको मैं यहाँ पे जस्ट आइसोलेट करता हूँ एक दफा, और यहाँ पे मैं लाइन वर्क, ओके, श्रिंक रैप की कमांड देता हूँ, और इसको मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये लाइन हमारी जो है वो क्लोज हो चुकी है। अभी अगर आप इसका एरिया चेक करें यहाँ पे, ओके, पॉली लाइन, ओके, तो यहाँ पे ये 7954 है, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे 7640 है ये, ओके। इसके थोड़ा सा ये डिफरेंस आया है इसमें। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं इसमें, इसमें जो है अभी अगर आप ये जो पॉली लाइन बनी है, ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ दूसरा एरिया भी है यहाँ पे, तो इसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो भी हम करके देखते हैं कि वो हमने कैसे करना है, ठीक है। अभी ये जो है एक लाइन जो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इसको मैं आइसोलेट करके हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये बाउंड्री बनती है कि नहीं बनती, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को ऑलरेडी हमने ब्रेक किया था, और इस लाइन को, ओके, और इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने किया आइसोलेट, और यहाँ पे मैंने इसको लाइन वर्क श्रिंक रैप की कमांड दी, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी इसका अगर आप एरिया चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये है 3534, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको 3534, ओके, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये 38 है, तो इसके साथ ये वाला एरिया जो है वो हमने प्लस करना है, ये वाला एरिया, ओके। तो ये ऑलरेडी क्लोज पॉली लाइन में है, तो इसमें मैं डबल ए की कमांड देता हूँ, ओके, एड एरिया, ओके, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, और ये एक एरिया अभी हमारे पास आया है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो 3848, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3848, यहाँ पे ये एरिया हमारा वेरीफाई हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3848113, 3848113, तो ये एक एरिया हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पे हमने इसको बना के देख लिया। अभी हमने ये वाला जो एरिया है इसको करना है, तो इसमें हमने क्या करना है, डबल ए, ओके, और अभी हमने किया इसको, ओके, अभी ये वाला एरिया इस वाले एरिया से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको डबल ए करता हूँ, ऐड, ओके, उसके बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस एरिया को और इस एरिया को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके, ओके, क्लिक किया। यहाँ पे मैं अभी सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की कमांड लेता हूँ, और इस एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो 7640 है, तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7640121, यहाँ पे 123, तो ये 2 मिली का डिफरेंस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो एरिया हमारे जो है वो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिए हैं। अभी हमने नेक्स्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे ये जो है अभी ये नेक्स्ट एरिया है, मैं इसको यहाँ पे जो है हाइड कर देता हूँ, हाइड, ओके। अभी ये वाले दो एरिया है हमारे, ये वाले, ओके, ये वाला जो एक एरिया है अभी हमने इसको लेना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ब्रेक, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने एंड की प्रेस की, ओके, एट द रेट, यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो गई। अभी यहाँ पे ये वाली लाइन में हमें ब्रेक चाहिए यहाँ पे, तो मैं बी आर की कमांड देता हूँ, एफ प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको, ओके, यहाँ पे मैंने इसको एट द रेट प्रेस किया, ओके। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये वाली जो दो लाइन है, ठीक है, इनकी हमने बाउंड्री बनानी है। शिफ्ट प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे, ये लाइन, ओके, ये लाइन, ये लाइन, और यहाँ पे हमें ये लाइन रिक्वायर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे आइसोलेट किया, ओके।
और यहाँ पे मैंने इसको लाइन वर्क श्रिंक रैप की कमांड दी और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी हमने इसका एरिया चेक करना है। इसका एरिया चेक करने से पहले हम इसको एंड कर देते हैं यहाँ पे डबल ए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये 6051896 60। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6051। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये व्यू कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट, ओके 6051 6051 683 6896, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा जो है इसका डिफरेंस आया है, तो नो प्रॉब्लम। इसमें ये जो मैनुअल करने में आपका थोड़ा बहुत जो है मिलीज में आपका डिफरेंस आ सकता है। तो अभी नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास सर नेक्स्ट वाला एरिया है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अभी हमारे पास ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, तो इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं ये ऑटोमेटिकली बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये यहाँ पे नहीं आ रहा, तो नो इशू बी आर, ओके ओके एफ, और यहाँ पे मैं इसको एंड पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो गई है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अभी ये वाली जो लाइन है ये हमें यहाँ पे ये लाइन का यहाँ पे ब्रेक चाहिए यहाँ पे। ओके, मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ पे, तो ये ब्रेक हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। ओके, एफ प्रेस किया, यहाँ पे ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ओके ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे। ओके, और इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन का इसका ब्रेक भी हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ब्रेक। ओके, एफ, ओके एंड पॉइंट, तो इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है। ओके, ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई है। अभी हमें ये ब्रेक जो है एक इधर रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको फिर ब्रेक करता हूँ। ओके, एफ प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे जो है हमें ये वाला एंड पॉइंट पे ये जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये भी लाइन ब्रेक हो गई यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये जो है ठीक हो गया। अभी यहाँ पे ये लाइन जो है ये भी ब्रेक रिक्वायर्ड है हमें। ओके ओके, एफ एंड पॉइंट, ओके ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इसको, तो इसको हमने कैसे लेना है। ओके ओके ओके, और इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट किया, और इस लाइन को आप सेलेक्ट करें यहाँ पे, तो इसको मैं अभी आइसोलेट करता हूँ, आइसोलेट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इस लाइन को भी जो है वो ब्रेक दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एफ, ओके ये लाइन भी यहाँ पे ब्रेक होगी, इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारी अभी बाउंड्री लाइन है जो हमें रिक्वायर्ड है, इसको मैं करता हूँ लाइन वर्क सिंक रैप। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे ये हमारी बाउंड्री आ गई। अभी यहाँ पे मैंने इसको आइसोलेशन एंड कर दिया और डबल ए ओ, तो यहाँ पे हम इसका एरिया चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5184 5184067। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो फर्क आ रहा है इसमें, तो नो इशू। तो यहाँ पे जो है अभी हमारे पास जो बचा है वो लास्ट एरिया ये बचा है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी हाइड कर देता हूँ। ओके, हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी हमें ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है, ये वाला, ओके ये वाला रिक्वायर्ड है, और ये वाला रिक्वायर्ड है,
और ये वाला रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आइसोलेट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ लाइन श्रिंक वर्क, रैप की कमांड देता हूँ। यहाँ पे ये एरिया हमारा बन गया है। अभी मैं इसको ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा और यहाँ पे इसको मैं एंड आइसोलेशन कर देता हूँ। डबल है वो एक एरिया, एरिया एड एरिया ओके। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है। तो इसका एरिया 3007041, 3007071 ओके। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये माइनर से डिफरेंस के साथ हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। अभी ये बाउंड्री तो हमारी ऐड हो गई है, हम किसी भी बाउंड्री को अपना लेवल के हिसाब से ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस के उसमें, या आपके पास कोई डिजाइन सरफेस है तो उसके वॉल्यूम वगैरह जो है वो इजीली ले सकते हैं, या अगर आप एवरेज एंड एरिया से अपनी मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहें तो इनके एरिया जो है इनके अंदर आप प्लेस करके आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो वैल्यूज हैं इनको मैनुअली कैसे वेरीफाई किया जाता है, या अगर आपके बाउंड्रीज क्लोज ना हो रहे हो तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।